नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीएड सेकंड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रही हूँ। उस टॉपिक का नाम है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समुदाय की क्या भूमिका होती है। देखो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें CWSN छात्रों की, तो पहले मैंने आपसे बात भी करी थी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। शारीरिक रूप से बाधित भी विशिष्ट आवश्यकता वाले में आता है। शारीरिक में दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, अस्थि बाधित, ये सब जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा मानसिक रूप से विमंडित जो बालक है वो भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर समुदाय अच्छा है, समुदाय में मिलजुल कर और सामाजिक जीवन की भावना है, तो विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक भी उस समाज के साथ, उस समुदाय के साथ समायोजित हो जाता है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के विकास में, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में समुदाय क्या क्या भूमिका निभाता है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। देखो, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का शारीरिक विकास, आप जानते हो समुदाय के अंदर ही बालक रहन सहन के तरीकों को सीखता है। अच्छी आदतों का बालक में विकास होता है, वो समुदाय के अंदर ही पॉसिबल है, क्योंकि बालक रहना सीखता है, किस प्रकार का खान पान है, किस प्रकार रहना है, किस प्रकार दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप है वो पूरे करने हैं, ये सारे जीवन सारी चीजें वो समुदाय के अंदर ही सीख पाता है। अच्छी आदतों का बालक में निर्माण भी समुदाय के कारण ही आता है। इसके अलावा जो है समुदाय के द्वारा ही व्यायाम की जो शाखाएं हैं उनको स्थापित किया जाता है। इसके अलावा खेल के मैदानों की व्यवस्था समुदाय के द्वारा की जाती है, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक जो है वहां पर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो व्यायाम और खेल के मैदानों की व्यवस्था करता है। विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी हमें समुदाय के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। और आप जानते हैं समुदाय ही आसपास की सफाई की व्यवस्था करता है, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रदान करता है, जिसके कारण हर बालक का विकास होता है। और मान करके चलना कि जो विद्यालय वातावरण में विद्यार्थी आ रहा है, तो उसको विद्यालय में लाना, ये भी इसमें भी समुदाय का बहुत बड़ा रोल होता है। समुदाय के अभाव में बालक जो विद्यालय की आवश्यकताएं हैं और विद्यालय वातावरण में जो समायोजन स्थापित करता है, उसमें भी समुदाय का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो शारीरिक विकास करने में समुदाय का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है मानसिक विकास। आप जानते हो समुदाय के अंदर रहकर के बालक या हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे की समस्याओं को बताता है। और आप जानते हैं अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है और अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से डिस्कस करते हैं, तो उस समस्या का समाधान करना भी आ जाता है। तो निर्णय पर पहुंचने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसके अलावा व्यक्ति समस्याओं को किस प्रकार सुलझा सकता है, ये सब समुदाय के माध्यम से बालक सीख जाता है। तो विभिन्न व्यक्तियों से मेलजोल स्थापित करना, विभिन्न व्यक्तियों से मिलने से उसके मानसिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास होता है। इसके अलावा पुस्तकालयों व वाचनालयों की स्थापना करना, पुस्तकालयों व वाचनालयों की स्थापना करने में भी किसका योगदान होता है, आपका किसका योगदान होता है, समुदाय का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बाद आता है चारित्रिक और नैतिक विकास। आप सब जानते हैं व्यक्ति जो है परिवार में रहता है तो अनुशासन आता है, समुदाय के नियमों को समझता है, नियमों का उसको पालन करना पड़ता है। तो बालक के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर अनुशासन की भावना का क्या होता है, विकास होता है। तो अनुशासन की भावना का विकास होता है। इसके अलावा उसमें विभिन्न प्रकार के गुणों का भी विकास होता है, उसका चारित्रिक विकास होता है, उसमें दया, परोपकार जैसे सामाजिक गुणों का बालक में विकास होता है। कैसे, जब समुदाय के अंदर रहता है तो बालक में दुख सुख कई प्रकार के जो है
कई प्रकार की परिस्थितियां उसके सामने आती है, वो दूसरे को उन परिस्थितियों से जूझता हुआ देखता है, तो बालक में धीरे 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 उसका चारित्रिक विकास प्रारंभ हो जाता है। तो समुदाय से बालक का चारित्रिक विकास भी होता है। उसके बाद आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का आप मतलब जानते हो, बालक में मैं की भावना से हटकर हम की भावना आ जाती है, मिलजुल कर कार्य करने की भावना आ जाती है, क्षमा करना, त्याग करना, परोपकार करना, करुणा की भावना रखना, सहानुभूति रखना, प्रेम के साथ व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, समुदाय प्रौढ़ शिक्षा आदि सब के बारे में वो समुदाय के माध्यम से ही सीख पाता है कि स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, कन्याओं की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, लड़कियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है बालक कहाँ से सीखता है? समुदाय से सीखता है। तो समुदाय के अंदर बालक का सामाजिक विकास होता है। फिर आता है विद्यार्थियों किसका? सांस्कृतिक विकास। आप जानते हो बालक जो है परिवार और समुदाय में रहकर के विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों में भाग लेता है। वो क्या करता है? मान्यताओं की शिक्षा, रीति रिवाजों की शिक्षा वो सब समुदाय के माध्यम से ही सीखता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिससे उनमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक गुणों का बालक में विकास होता है। उसके बाद आता है आध्यात्मिक विकास। समुदाय के अंदर बालक क्या करता है? समुदाय के अंदर बालक धार्मिक व्यक्ति बन जाता है, धर्म के प्रति उसकी निष्ठा बन जाती है, वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करता है, धार्मिक स्थल पर जाता है। तो इस सांसारिक मोह माया की दुनिया को समझना, इस भौतिक संसार को समझना, पारलौकिक जीवन को समझने की भावना उसमें विकसित हो जाती है। तो आध्यात्मिक गुणों का विकास भी इसके अंतर्गत होता है। इसके अलावा आप जानते हो व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा। आप जानते हो हर परिवार और हर समुदाय में हर व्यक्ति का अपना एक व्यवसाय होता है। तो व्यवसाय के अंदर अगर सुनार जाति का बच्चा है तो वो वही काम सीख जाता है, किसान का बेटा है तो किसान बन जाता है, मजदूर का बेटा है या शिल्पकार है, दस्तकार है, तो उससे उस बालक का विकास होता है। तो समुदाय के अंदर रहकर ही बालक विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीख पाता है, चीज़ों को सीख भी जाता है। परिवार के अंदर रहकर, समाज के अंदर रहकर वो विभिन्न प्रकार से अपनी जिज्ञासा को शांत कर पाता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है। तो आपने देखा व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक एवं नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास और व्यावसायिक विकास, ये सब समुदाय के अंदर रहकर ही पॉसिबल होते हैं। तो विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक जब इस समाज में रहता है तो अपनी आवश्यकताओं को इस समाज के अंदर ही क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है, ताकि समाज और इस समुदाय के साथ समायोजित होने में, समावेशी शिक्षा प्राप्त करने में उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। क्योंकि जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक कहाँ पर जाएगा? स्कूल में जाएगा, सक्षम बालक को देखेगा तो उसमें जो भावना आएगी वो आएगी कि वो उस बालक से कमतर है, लेकिन समुदाय ने उसको इस प्रकार परिपक्व कर दिया है कि वो उसमें ये भावना नहीं आती है। वो समझ पाता है कि हर छात्र अलग है, हर छात्र की रुचि अलग है, हर छात्र की क्वालिटी अलग है। तो वो समुदाय के अंदर ही उसमें इस चारित्रिक गुणों का विकास हो जाता है, उसमें मिलजुल कर रहने की भावना विकसित हो जाती है, ताकि वो कक्षा में जल्द से जल्द समावेशित हो जाता है। और यही कारण है कि आज हमारे भारत में समावेशी शिक्षा का सपना साकार इसीलिए होने जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में समुदाय की भावना है, मिलजुल कर रहने की भावना है, समुदाय में अनुशासन की भावना है, समुदाय में परोपकार की भावना है। समुदाय के अंदर रहकर बालक अपने सामाजिक गुणों का विकास कर पाता है। यही कारण है कि आज हमारे देश में समावेशी शिक्षा का सपना साकार हो रहा है। तो आपने देखा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता में
पूरा करने में समुदाय का महत्वपूर्ण रोल होता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसी तरीके के जो टॉपिक्स है वो पढ़ाती रहूंगी। तो इसके लिए आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।